Many young people, they just become an object of mockery in front of their unbelieving friends. और कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अविश्वासी मित्रों के बीच में वो केवल एक मजाक बनकर रह गए। I definitely don't agree to this. और मैं इससे सहमत नहीं हूँ। When they make fun of you, they make fun of your principles. और अगर वो आपका मजाक उड़ाते हैं, तो वो आपके सिद्धांतों का मजाक उड़ाते हैं। If you allow them to make fun of you, they are making fun of your parents. और अगर आप अनुमति देते हो कि वो आपका मजाक उड़ाए, उसका अर्थ है कि आप अनुमति दे रहे हो कि वो आपके माता पिता का मजाक उड़ाए। When you make allow them to make fun of you, you actually make allow them to make fun of your God who died for you. और अगर आप अनुमति देते हो कि वो आपका मजाक उड़ाए, तो सचमुच आप उस परमेश्वर का मजाक उड़ाने की अनुमति देते हो जिसने आपके लिए अपनी जान दी। आई एम एक्सट्रीमली जेलस अबाउट दिस। इफ यू कैनॉट स्टैंड फॉर क्राइस्ट एज अ यंग मैन, यू कैन नेवर स्टैंड फॉर क्राइस्ट ऑल ओवर योर लाइफ। और इस विषय में मैं ईर्ष्या रखता हूं कि अगर आप अपने जवानी के समय में अगर आप यीशु के लिए नहीं खड़े रह पाओगे, तो कभी भी नहीं रह पाओगे। इफ यू कैनॉट डू समथिंग फॉर गॉड व्हेन यू आर यंग, व्हाट यू विल डू फॉर गॉड When you are old. और जब जवान आप हो, तभी आपने परमेश्वर के लिए कुछ किया नहीं, तो आप जब बुजुर्ग होंगे, बूढ़े होंगे, तो आप क्या कर पाओगे? Acts 4:33 says, with great power they give witness. प्रेरितों के काम 4:33 में लिखा है कि अधिक सामर्थ के साथ उन्होंने गवाही दी। And it also says, great grace was upon them all. और ये भी कहता है कि बड़ी महान करुणा भी उनके जीवन पर थी। And let's turn to Hebrews 10:35. इब्रानी 10 उसका 35वां वचन। Yeah, therefore do not cast away your confidence, which has great reward. और यहाँ पर लिखा है, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। Let's read it together. हम इसे साथ पढ़ेंगे। Therefore do not cast away your confidence. इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। Don't cast away your confidence. और जो भरोसा आप में है, उसे आप छोड़ ना देना। If you have less confidence, you listen to me. अगर आप में कम भरोसा है, कम विश्वास है, तो आप मेरी बातों को सुने। Tell your neighbor, don't cast away your confidence. अपने पड़ोसी से कहो, अपने विश्वास को छोड़ ना देना। Your confidence. If they can break your confidence, they can break you. You will do nothing in your. अगर वो आपका भरोसा, आपका विश्वास तोड़ सकते हैं, तो वो आपको इस तरीके से तोड़ देते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। I don't allow anyone to break your confidence. किसी को भी अपने भरोसे, अपने विश्वास को तोड़ने की अनुमति ना देना। I was reading about a thief. एक चोर के बारे में मैं सीख रहा था। They brought him and they hit him and they hit him whole night they hit. और उसे पकड़ कर वो लेकर आते हैं और पूरी रात उसकी पिटाई करते हैं। And in the morning he got up and he said, "Hey, I love stealing. I will steal. I love stealing. I will steal." He said like that. पूरी रात उसकी पिटाई करने के बाद सुबह वो फिर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे चोरी करना बहुत ही पसंद है, मैं और चोरी करूंगा। Hey, come on. We live in a world which doesn't know what is right and what is wrong, and you are ashamed of your principles, of the truth. और Something is wrong with us. ऐसी दुनिया में रहते हैं जब वहां पर लोग नहीं जानते कि सही क्या है, गलत क्या है, और आप अपने ही ऐसे महान सिद्धांतों के विषय आप शर्मिंदा महसूस करते हो। I can mingle with unbelievers, but I never mingle with people, the believers, who are ashamed of their God. मैं अविश्वासियों के साथ मेल मिलाप करता हूं, लेकिन वो विश्वासी जो अपने परमेश्वर के विषय शर्मिंदा है, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखता। If they can break your confidence, they can break everything. I tell you, it your confidence is the only way you can get your reward. और अगर वो आपका भरोसा, आपका विश्वास तोड़ देते हैं, वो आपके हर एक चीज को वो तोड़ सकते हैं, और आपके महान जो प्रतिफल है, उसे पाने का एकमात्र मार्ग वही है। I don't say you should go and do something wrong. मैं ये नहीं कहता you कि do आप what आगे is जाओ। Right and you say, hey, what I am doing is right. This is what my daddy did. This is what my mummy did. This is what my spiritual daddy taught me. This is what my spiritual mummy taught me. This is what my God who died for me, he did this. This is what he preached. This is what I will follow till the end of my life. This is what my children will follow. This is what my family will follow. This is what my whole universe, my whole city will follow. This is what my whole nation will follow. That is what I am living here for. That is how we should live.
मैं ये नहीं कहता कि आप आगे जाओ और कोई गलत काम करते जाओ, लेकिन जो आपका विश्वास है, इस दृढ़ विश्वास पर आपको यह कहना है कि मैं यही विश्वास करूंगा, मेरे माँ बाप ने भी इसी पर विश्वास किया है, मेरे आत्मिक माता पिता ने भी इसी पर विश्वास किया है, मेरे बच्चे भी यही विश्वास करेंगे, उनके आगे की पीढ़ी भी यही विश्वास करेगी, मेरा देश भी यही विश्वास करेगा। ये भरोसा, ये विश्वास दृढ़ होना चाहिए। That is why I am alive today. और उसी कारण मैं जीवित हुआ। I am not here so that I can live a good life and go to heaven. और मैं यहाँ पे इस कारण जीवित नहीं हूँ ताकि एक अच्छे जीवन बिताकर मैं स्वर्ग चले जाऊँ। One man is praying, Lord, when I die, at least make me a watchman in heaven. एक व्यक्ति इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं जब मर जाऊं केवल स्वर्ग का एक 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 वॉचमैन मेरे को बना देना। I don't want to see these type of people in my life. मैं ऐसे लोगों को अपने जीवन में देखना ही नहीं चाहता। I want to see people with confidence. मैं ऐसे लोगों को देखना चाहता हूं जो विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। Tell your neighbor, don't lose your confidence. और अपने पड़ोसी को देखकर कहो, अपना आत्मविश्वास खोना नहीं। Because it will bring a great reward. क्योंकि एक बड़ा प्रतिफल ये तुम्हारे पास लेकर आएगा। Hebrews 10:35. इब्रानी 10 उसका 35. Have you taken it in your Bible? In your Bible, you should underline that. अगर आपने बाइबल में उसे निकाला है, तो उसके नीचे निशान लगाएं. I will not cast away my confidence because in it lies my great reward. इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है. So you have what reward you are having? और कैसा आपके पास प्रतिफल है? What reward you have? कैसे प्रतिफल आपके जीवन में आपने देखा है? What reward you are having? कैसा प्रतिफल आपने अपने जीवन में देखा है? You are not opening your mouth. I have to tell your name. When I show only, all of you should open your mouth. What reward you have? कैसा प्रतिफल आपके पास है? Tell your neighbor, I have great reward. अपने पड़ोसी को कहो कि मेरे पास बड़ा महान प्रतिफल great है. Reward. बड़ा महान प्रतिफल great है. Reward, huh? बड़ा great महान reward. प्रतिफल. Nobody will give you great reward. Huh? They will तुम्हारा रिवार्ड चुराई के लेकर के लेके जाएंगे. तुम्हारा पैसा पैसा चुराई करेंगे. But God will give you great reward. लेकिन परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देता है. They will stop your promotion, but God will give you great reward. प्रगति को रोक देते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल. Everyone can become great. सारे लोग महान बन सकते हैं. We are born again to become great. और आपने नया जन्म यीशु मसीह में लिया है ताकि आप महान बन पाए. So with my time, what should I buy? I should buy greatness. तो मेरे समय से मुझे क्या खरीदना है? मुझे महानता खरीदना है. The world is deceived. Into thinking that only few are born for greatness. ये दुनिया इस धोखे में जी रही है कि कुछ लोगों का जन्म हुआ है ताकि वो महान बन पाए. Please understand, this is what the world thinks. This is what the religion will teach you. और इस बात को समझे कि दुनिया ऐसी समझती है और धर्म आपको यही सिखाएगा. But God has created you for greatness. लेकिन परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है ताकि आप महान बन सके. Why should God create you? God never creates anyone for smallness. परमेश्वर किसी भी व्यक्ति की सृष्टि छोटे काम करने के लिए नहीं करता है. God created all men equally. परमेश्वर ने सारे इंसान को एक समानता में सृष्टि की है. You should know the secret. You are created for greatness. आपको ये रहस्य जानना है कि आपकी सृष्टि महानता के लिए की गई है. Only thing is the great people purchase greatness with their time. और ये बात ही साफ है कि जो महान लोग हैं वो समय का मोल जानते हैं और उससे उस महानता को खरीदते हैं. In fact, the house you are living, the car you are driving. Is purchased by the currency of time. सचमुच जो घर आप जहां रहते हो, जो गाड़ी आप चलाते हो, वो इस समय को ही खर्च करके आपने खरीदा है. But everything you have actually bought with the currency of time. और जो कुछ आपके पास है वो आपने आपका जो समय जो रुपया आपके हाथों में है उसी से खरीदा है. So it is actually a tragedy. To convert your time into cars and houses. तो ये बड़ी दुखद बात है कि आप अपने समय को बेचकर केवल घर और गाड़ी खरीद रहे हो. Actually, you are not bought it with your money. You have bought it with your life. और सचमुच आपने उसे अपने पैसों से नहीं खरीदा है, बल्कि अपने जीवन का मोल देकर आपने खरीदा है. Some people buy in mortgage by taking loan. और कुछ लोग ऐसे कर्जा उठा लेते हैं. When you mortgage
You actually mortgage your life. जब आप ऐसा कर्जा उठा लेते हो तो सचमुच आप अपने जीवन को ही आप कर्जे पर डाल लेते हो। How many of you are paying EMI? Don't lift your hand. आप अपना हाथ नहीं उठाना, लेकिन कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो EMI भर रहे हैं? I don't want to see you. मैं आपका हाथ नहीं देखना चाहता। You are not working for you. You are working for that bank. आप अपने आप के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप उस बैंक के लिए काम कर रहे हो। Understand that you have already sold yourself, your future. आपने अपने आप को और अपने भविष्य को भी बेच दिया। 3-year EMI, you are paying 3-year EMI. 3 साल की EMI आप भर रहे हो। 3 years you have sold for that bank. और 3 साल के लिए आपने अपने आप को उस बैंक के लिए बेच दिया है। Okay, see, please understand. When you become great, houses and cars will come to you automatically. और जब आप महान बन जाते हो, तो घर और गाड़ी ये सब आपके पास ऐसे ही आ जाते हैं। महात्मा गांधी was a great man. महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे। Everywhere you go, he has houses. और जहाँ कहीं भी आप जाओ, उनके घर आपको दिखेंगे। In Madurai, there is a palace in the center of Madurai, almost in the center of Madurai. मदुरई के करीब करीब बीचों बीच वहाँ पर एक बड़े महल के समान है। It belongs to Mahatma Gandhi. वो महात्मा गांधी का था। He only wore a langot and he was walking everywhere. वो तो केवल एक लंगोट पहनकर वहाँ पर सारी जगह पे चल रहे थे। But he did not spend his money to buy houses. लेकिन houses were given to him. लेकिन पैसे खर्च कर उन्होंने घर नहीं खरीदे, लेकिन घर उनको दिए गए थे। So don't mortgage your life to buy cars and your instruments and ornaments and these type of things. You take your time and buy greatness. और अपने समय को, अपने पैसों को खर्च कर आप उसको कर्जे पर उठाकर आप ऐसे गाड़ी या कोई सामग्री मत खरीदना, लेकिन आप अपने समय का सदुपयोग करें। Like every other product, you can buy greatness. और हर एक अन्य पदार्थ के समान आप महानता को खरीद सकते हो। And greatness can only be bought by time. और ये जो महानता है, ये केवल समय से ही आप खरीद सकते हो। Okay, so let us say, let us just talk about a man who became great, because he invested his time. हम ऐसे एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो महान बना क्योंकि उन्होंने अपने समय का निवेश किया। Okay, his name is Benjamin Franklin. और उसका नाम है Benjamin Franklin. Okay, you can see lot of materials about Benjamin Franklin all over the world. और सारी दुनिया में आपको कई बातें आपको जानने को मिलेगा Benjamin Franklin के बारे में। Okay, he was a great name in the history. और इतिहास में एक बड़ा नाम है ये। हाँ, because he understood the secret of investing his time. क्योंकि उसने अपने समय का निवेश करने का रहस्य जान लिया था। He was a publisher. He was an author. He was a scientist. He was an inventor. He was a civic leader. He was a diplomat. और उसने कई सारे पद उसने संभाले थे। वो एक लेखक था, वो वैज्ञानिक था, और वो राजनेता था। कई सारे बातों में जुड़ा हुआ था। Okay. I'll tell you one more thing. He doesn't come from rich families. और एक और बात उसके विषय में कहता हूँ कि वो कोई धनी परिवार से नहीं आया था। He came from a very poor family. बहुत ही गरीब परिवार से वो आया था। Tell your neighbor you can become great. और अपने पड़ोसी से कहो तुम महान बन सकते हो। If you invest your time. अगर तुम अपने समय का समय को निवेश करो। By the way, are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हो? Yes, we need to learn these things because we need to invest our time. Okay, his father married twice and he had 17 children. He was one of the 17. और उसके पिता की दो शादी हुई थी और उनके 17 बच्चे थे। 17 बच्चों में से एक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। I think चर्च में ऐसा लोग चाहिए लगता है। So he was one of the 17 children and his father was candle maker. और उसके जो पिता थे वो मोमबत्ती को बनाते थे। So very early in his life he stopped studying and he was doing candle making business. और अपने जीवन में बहुत जल्द उन्होंने अपनी पढ़ाई रोक दी थी और इस मोमबत्ती के जो व्यवसाय था उसमें वो जुड़ गए थे। But every time he has a free time, he went to the library which was next to him, next to that candle making factory, and he was reading from the library. लेकिन जब भी उसे समय मिलता, वो उसके जो दुकान के करीब ही एक लाइब्रेरी था, वहाँ जाकर वो किताबों को पढ़ने लगता। All his co-workers were young boys and young girls. और उसके साथ जो सहकर्मी थे, वो सब जवान लड़के लड़कियाँ थी। They were all in their free time. They were chatting and discussing and talking and joking and enjoying their life. और उनके मुफ्त के समय पर वो केवल एक दूसरे से बात करते थे और अपना जिंदगी का मजा उठा रहे थे। Because young people, they have one decision in their lives.
क्योंकि जो जवान लोग हैं उनके जीवन में एक निर्णय ऐसा है. इवन टुडे मेनी यंग पीपल थिंक दिस वे. और आज के दिन में भी जवान लोग जो है जो इस प्रकार सोचते हैं. यूथ इज अ टाइम वेयर यू शुड चिल आउट एंड एंजॉय. और जवानी ऐसा समय है जब आपको पूरा मजा उठाना है. हाउ मेनी पीपल थिंक, मेनी यंग पीपल थिंक youth is a time you should not waste, it will go away fast, so you should do all things to enjoy your life. और का सारे जवान ऐसे सोचते हैं कि जवानी ऐसा एक समय है जिसे आपको नष्ट नहीं करना है, बहुत जल्द बीत जाएगा और आपको मजा करना है. I tell you, these young people actually waste their time. और ये जवान लोग जो है सचमुच अपना समय बर्बाद कर रहे हैं. Mark them. और इन, 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 इनको ध्यान से देखे. ध्यान से नहीं, मार्क निशान बनाकर रखे उन पर. हाँ, क्योंकि व्हेन यू वांट क्लर्क प्यून टी बॉय टी गर्ल दे कैन कम इन वेरी बिग यूज. क्योंकि ऐसे लोग भविष्य में जाकर अगर आपको कोई क्लर्क या प्यून की जरूरत पड़े तो यही लोग आएंगे जो आपके साथ काम नीचे काम करेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड, ये जवान लोग हैं. सो मेनी यंग पीपल यू नीड टू चेंज नाउ. तो कई सारे जवान लोगों को आपको अभी बदलना है. ओके, बिकॉज व्हेन एवरीबडी वाज ऑल द कोवर्कर्स आर वेस्टिंग देयर टाइम ड्यूरिंग लंच ब्रेक, बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज स्पेंडिंग टाइम इन द बुक शॉप व्हिच वाज नेक्स्ट टू हिज इंडस्ट्री. और जब सारे जवान लोग वहां पर अपने समय को बर्बाद कर रहे थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने करीब के जो लाइब्रेरी था, बुक किताबों की दुकान थी, वहां पर जाकर समय व्यतीत कर रहा था. He was reading the book and he loved to write. और वो उन किताबों को पढ़ता और उसे लिखना बहुत पसंद था. ओके, इवन एट अर्ली एज ही बिगन राइटिंग. और अपने आयु में बहुत जल्द ही उसने लिखना शुरू किया. ओके, व्हेन ही बिकेम 17 ही हैड इनफ नॉलेज and enough writing skills that he went to another city called Philadelphia where he got a job. केवल 19 साल का था तब तक उससे इतना अनुभव हो गया था, इतनी बुद्धि उसने प्राप्त कर ली थी कि दूसरा शहर फिलाडेल्फिया जाता है. When he was in Philadelphia, he was writing for many magazines. और जब वो शहर में वो पहुंचा, वो कई सारे magazines के लिए वो लिखना शुरू किया. Please note, he comes from an utter poor family. देखिए इस बात को आप ध्यान रखिए कि वो एक बहुत गरीब से परिवार से आ रहा था. So when Philadelphia, his writing reached a very rich man, a governor of London. और जब वो फिलाडेल्फिया में ऐसे लेख लिख रहा था तो वो जो लेख है लंदन के एक बहुत बड़े गवर्नर ने उसे पढ़ लिया. Okay, now this guy called him. Why not you come and write for me? और वो उसे बुलाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे लिए लिखो. And he worked there for many years, and the guy didn't pay him. और कई सालों के लिए उसने वहाँ पर नौकरी की और उसने उसे कोई तनख्वाह ही नहीं दी. हाँ, so he came to square one after so many years of working for that government. इतने साल उस धनी व्यक्ति के लिए काम करने के बाद वो फिर से उसी स्थान पर पहुँचा था जहाँ से उसने शुरुआत की थी. But because of his natural talent of writing, he picked up from the scratch. और लेकिन क्योंकि उसने इस लिखने को इतने मजबूत कर दिया था, उसने फिर से अपना काम शुरू किया. बिकॉज ही ऑलरेडी हैड इन्वेस्टेड हिज टाइम, सो मच टाइम इन अक्वायरिंग नॉलेज एंड राइटिंग स्किल्स. क्योंकि उसने अपना इतना अधिक समय वहां पर बुद्धि प्राप्त करने के लिए, ज्ञान समझ को प्राप्त करने के लिए बिताया था और उसने लिखने के जो कला थी उसमें बिताया था कि अब वो फिर से कमाना शुरू करता. He continued to read and that became the investment he made for his life. That made him to go up and up. वो निरंतर किताबों को पढ़ते रहता और वही उसका निवेश था अपने भविष्य के लिए और उसी कारण वो और ऊंचाई पर पहुंचते रहा. What I want to say is greatness doesn't depend upon your background. और मैं क्या आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो महानता है वो आपके परिवार के कोई पश्चातल पर नहीं आधारित है. He said like this, you may delay, but the time will not. वो कहता है कि तुम शायद देरी से पहुंचोगे लेकिन समय नहीं. यू मे डिले बट द टाइम विल नॉट डिले. शायद तुम देरी से पहुंचोगे लेकिन समय देरी से नहीं पहुंचेगा. एंड ही सेड नेवर लीव टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे. और उसने ये भी कहा कि कुछ भी चीज कल के लिए मत रखना जो आज तुम खत्म कर सकते हो. वी शुड अंडरस्टैंड टाइम डजंट प्रोक्रास्टिनेट. और आपको इस बात को समझना है कि समय कभी भी अपने सोच विचारों में डूबा नहीं रहता. ऑल द टाइम मूविंग.
वो हमेशा आगे बढ़ते रहता है. Your yesterdays is not going to come. आपकी बीती हुई कल आज नहीं आने वाली. Today evening it will become evening. और आज शाम वो शाम बीत जाएगी. None of us can stop it. हम में से कोई उसे रोक नहीं पाएगा. It goes on. वो आगे बढ़ते जाता Whether है. Whether you invest it or waste it or use it, it is going on. चाहे आप उसका निवेश करें, खर्च करें या बर्बाद करें, वो आगे बढ़ने वाला है. Never sit and watch your time leave. कभी भी ऐसे पीछे बैठकर आप ये मत देखते रहना कि आपका समय आगे बीतते जा रहा है. Every day invest your time. हर दिन अपना समय को निवेश करो. Benjamin Franklin invested in publishing, in writing, in influencing the world around him. और Benjamin Franklin जो था, उसका निवेश यही था कि उसने अपने लेख में उसने अपना सारा निवेश किया और सारे दुनिया को अपने ज्ञान बढ़ाते रहा. The time you invest, always it comes back to you in a bigger form. जो समय आप निवेश करते हो वो हमेशा आपके पास वापस लौटता है एक बड़ा सा रूप धारण कर. This determination to invest his time, his self-teaching in his early years, when he became little elderly, he became a legend. Nobody could beat him, nobody could cancel him, nobody could do anything to him. He became a legend by himself. और अपने जवानी के अपने लड़कपन के समय जब उसने अपना समय इन किताबों को पढ़ने में उन्होंने निवेश किया था, वो आगे बढ़कर जब वो बुजुर्ग हुए ऐसे व्यक्ति महान व्यक्ति बन गए कि कोई उनके सामने खड़ा रहने के योग्य नहीं बनता था, कोई उनके सामने उन विरोध में नहीं खड़ा रह पाता था. He was not only a political leader, he was a scientist also. वो केवल एक राजनेता नहीं थे बल्कि वो एक वैज्ञानिक भी थे. He made something called as a Franklin stove. Franklin stove नाम की एक चीज उन्होंने बनाई. That stove could heat the rooms. और वो जो स्टोव था वो बड़े बड़े कमरों को वो गर्माहट पहुंचा सकता था. He made several experiments in electricity. और इलेक्ट्रिसिटी में कई सारे उन्होंने अध्ययन किया. He was the one who said lightning is also electricity. और उन्हीं ने वो पहले व्यक्ति थे जिसने कहा कि जो बिजली कड़कती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी है. And he was the one who made seeds to find a battery. और वही वह व्यक्ति है जिन्होंने ऐसे कुछ काम किए जिससे कि बैटरी की खोज हो सके. Today we use elderly people, you know, when they're sick, they use urinary catheters. और जो बुजुर्ग लोग हैं या बीमार लोग हैं, आप यूरिनरी कैथेटर का इस्तेमाल आपने किया होगा. Okay, he found that he was a medical scientist. और वो एक मेडिकल वैज्ञानिक भी थे. He was not only doing work with electricity, he was doing medical science also. और वो केवल इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम नहीं कर रहे थे, वो मेडिकल साइंस के साथ भी काम कर रहे थे. He was doing many experiments in optics, you know. He was the one who created bifocal lenses. और जो bifocal lens है, वो भी उन्हें ने खोज किया था. When we grow old, we need bifocal. We have two different types of, you know, when you read one power, when you see one power, you know, bifocal lenses was created by this Benjamin Franklin. कुछ लोगों को ऐसे bifocal lens के इस्तेमाल करना पड़ता है, उनको पढ़ाई करने के लिए एक चश्मा या दूर देखने के लिए एक चश्मा, तो ये bifocal lens इन्होंने शोध किया था. Not only that, he was a musician. He invented something called as a glass harmonica. और केवल इतना ही नहीं, वो एक म्यूजिशियन भी थे. ग्लास हारमोनिका इन्होंने शोध किया था. Today Benjamin Franklin is gone. He's no longer there. Benjamin Franklin तो गुजर चुके हैं. आज we are still using bifocal lenses. लेकिन आज भी हम bifocal lens का इस्तेमाल करते हैं. Because he became great. क्योंकि वो महान बने. He became wealthy. वो धनी भी बन पाया. He not only became wealthy, he could influence his nation. और केवल वो धनी नहीं बन पाया, उसने अपने पूरे देश पर प्रभाव किया. He not only influenced his nation in his days, he is influencing even us today. और केवल अपने दिनों में अपने देश पर उन्होंने प्रभाव नहीं डाला, लेकिन आज के तारीख पर हमें हमारे जीवन में भी वो प्रभाव डाल रहा है. Today my friends, what are you doing with your time? और आज मेरे दोस्तों, आज आप अपने समय के साथ क्या कर रहे हो? Are you wasting your time? क्या आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो? Are you spending your time? क्या आप अपना समय को खर्च कर रहे हो? Are you investing your time? या आप अपने समय का निवेश कर रहे हो? Your time is running out. आपका समय खत्म होते जा रहा है. Your days are running out. आपके दिन खत्म होते जा रहे हैं. A 20-year-old person already finished 20 long years. Okay, it is 20 year. How many of you are between 20 and 30?
कितने लोग 20 और 30 साल के बीच में हैं? I think you are in such a beautiful phase of your life. आप अपने जीवन में जीवन के काल के बहुत ही सुंदर समय में हो. Every day is to you have to invest your life. हर दिन आपको अपने जीवन को निवेश करना है. Okay, between 30 and 40, it's very precious time. Every day you have to invest your life. और जो 30 और 40 साल के बीच में है, आपको हर दिन आपने इस जीवन को निवेश करना है. When such a great God has a great purpose and He created us and sent us in the world, how we have not thought about greatness? We think about mediocrity. और इतने महान परमेश्वर ने इतनी महान सृष्टि कर इस पृथ्वी पर भेजा है, तो लेकिन कैसे हमने इस महानता को नहीं समझा? We have every day is something we need to do towards that greatness. हर दिन हमको ऐसा कुछ काम करना है जो हम इस महानता के करीब ले जाए. If your job is not allowing you to be great, you resign your job. अगर आपकी नौकरी आपको अनुमति नहीं दे रही है इस महानता के साथ जुड़ने के लिए, तो आप उस नौकरी को नौकरी से बाहर निकल जाए. If your school you are not doing it, if you are not learning greatness in your school, you should not study. अगर I am not talking about school anyway. School is your parents' decision. But at least in your colleges and all, I think it is your decision. You don't waste time in your college if it is not allowing you to be great. अगर आपके कॉलेज की जो शिक्षा है उसमें आपको वो महानता की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, तो आप उसे छोड़ दे. Wasting time is putting your time in garbage. और कोई समय को बर्बाद करना उसका अर्थ है कि अपने समय को कूड़ेदान में डाल देना. Spending your time is also wasting your time. और अपने समय को खर्च करना वो भी समय की बर्बादी है. हाँ, but when you invest your time, you actually use your time. लेकिन सचमुच जब आप अपना समय का निवेश करते हो, वही समय को बचाना होता है. Jesus lived 33 years. यीशु 33 साल जिए. He influenced the world. उसने सारे दुनिया पर प्रभाव डाला. महात्मा गांधी influenced the world. महात्मा गांधी ने सारे दुनिया पर प्रभाव डाला. Today, I tell you, near my house, there is a huge building. Probably it is worth crores. It belongs to Mahatma Gandhi. और मेरे घर के करीब ही यहाँ पर Grant Road पे वहाँ पे बड़ा एक बंगला है और वो महात्मा गांधी का है. It may be having 30-40 rooms. It belongs to Mahatma और 30-40 कमरे है, कई करोड़ों का वो संपत्ति है, वो महात्मा गांधी का. Why are you exchanging your life for the houses and the cars when you can exchange your life for greatness? क्यों अपने जीवन को आप दान दे रहे हो अपने गाड़ी और घर खरीदने के लिए, जब आप महानता के लिए आप अपने जीवन को दे सकते हो? Have a vision, have a dream which is greater than you. ऐसा एक दर्शन आप पाए, ऐसे एक एक स्वप्न आप पाए जो आपसे भी बहुत बड़ा है. We are created for greatness. हमें महानता के लिए ही बनाया गया है. Let us stop wasting time. और अपने समय को बर्बाद करना बंद करें. Let us stop spending time. और अपने समय को व्यतीत करना बंद करें. Let us invest our time. और अपने समय को निवेश करें. Okay, I'll continue to talk about time even next week. अगले सप्ताह भी मैं समय के बारे में बातें करता रहूंगा. More things about time. Let us और भी बातें समय के विषय.